सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक जो है गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। सो गाइस, आपको बता दूँ, होंडा जो है हाइनेस की सक्सेस के बाद में अभी अपनी 125 सीसी सेगमेंट की एक बाइक लॉन्च करने वाला है, जो कि होने वाली है एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक। आपको बता दूँ, CB125R जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आपने अभी तक देखी थी, लेकिन अभी जो है इंडियन मार्केट में आएगी। एंड आप जो है इसके लिए ज़रूर वेट करना, बिकॉज ये जो है एक काफ़ी अच्छी एक बाइक आपके लिए हो सकती है 125 सीसी सेगमेंट में। यहाँ पे ये जो बाइक आपको पावर देती है, जो परफॉर्मेंस देती है, वो शायद जो है आपको ड्यूक 125 या फिर जो है आपको MT125 भी ना दे पाए। यहाँ पे आपको इसमें एक से एक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आज की वीडियो में सबके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को जो है एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके लिए हर एक न्यूज़ सबसे पहले लेके आता हूँ। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपके भाई MRD की एक ही रिक्वेस्ट आपसे। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। 1,20,000 तक जो है इसकी प्राइस जा सकती है एक शोरूम, 1,20,000 एक शोरूम, एंड जो है 1,40,000 तक ये ऑन रोड जाएगी। सो प्राइस जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट फिर भी जो है 1.40 भी किसी किसी को ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके फीचर्स ये ज़्यादा प्राइस नहीं है। आपको बता दूं इसके फीचर्स के बारे में, गाइस यहाँ पे जो है आपको इस बाइक में फुली रेट्रो लुक दिया जाता है। फ्रंट में जो आपको फुली LED हेडलाइट, जो कि आपको इस सेगमेंट में काफ़ी कम देखने को मिलती है, सो यहाँ पे जो है आपको फुली LED हेडलाइट देखने को मिलेगी। एंड इंडिकेटर्स वगैरह, LED टेल लाइट वगैरह सब कुछ जो है आपको LED में ही देखने को मिलेगा इस बाइक पे। उसके अलावा जो है आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें कि आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, गियर इंडिकेटर वगैरह, माइलेज रेंज, मतलब सारे आपको बेसिक फीचर्स मिलेंगे। उसके अलावा जो है आपको इसमें अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलने वाला है, साउंड जो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी उसकी, वो जो है जैसी लॉन्च होगी उसके बाद रिव्यू में आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है आपको इसकी कुछ डिटेल देते हैं। अभी बता दूं इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, जो कि कंफर्ट आपको अच्छा खासा देगी। रियर की जो सीट हाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि रियर पिलियन जो है अनकंफर्टेबल हो, यहाँ पे जो है राइट एंड पिलियन दोनों ही जो है कंफर्टेबली इसको राइड कर पाएंगे। यहाँ पे जो है आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, फ्रंट में भी डिस्क, रियर में भी जो है डिस्क मिल जाएगा। फ्रंट में आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, USD सस्पेंशन नहीं मिलेंगे इस बाइक में, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। रियर में जो है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है ये बाइक आपको 124 सीसी के सिंगल सिलेंडर 4-stroke FI लिक्विड कूल इंजन के साथ में देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। यहाँ पे जो है 14.7 BHP की पावर देगी आपको, 11.6 Nm का टॉर्क देगी, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। 6 स्पीड का आपको गेयरबॉक्स मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस की आप टेंशन मत लेना, परफॉर्मेंस जो आपको अच्छी खासी दे देगी ये बाइक। यहाँ पे आपको DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि आपको एक काफ़ी अच्छी माइलेज भी देगा, लगभग जो है आपको 45 से 50 तक की माइलेज इजीली दे पाएगा। सो गाइस यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है 125 सीसी के सेगमेंट में, आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो। इसे भी जो है बात कर लेते हैं इसके लॉन्च के बारे में। लॉन्च के बारे में गाइस मैं आपको बता दूं, लॉन्च जो है ये बाइक होने वाली है इंडियन मार्केट में 2021 के स्टार्टिंग में ही, मतलब मार्च या फिर जो है आपको फरवरी स्टार्टिंग मंथ्स में आपको देखने को मिल जाएगी। सो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस बाइक के लिए ज़रूर वेट करना। कोई भी आपके डाउट्स इस बाइक से रिलेटेड, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। आपको पता है हाइनेस की जो है काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है, यहाँ पर जो है आपको सेम डे डिलीवरी भी नहीं मिल रही है हाइनेस की, सो सक्सेस जो है काफ़ी अच्छी मिली है उसको भी। अभी जो है होंडा का जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मतलब जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिली है होंडा को। अभी जो है वो और भी काफ़ी सारी बाइक्स लेके आएगा सेगमेंट में। अभी जो है होंडा को जो आप दोबारा से याद करोगे, मतलब पहले जो है बाइक्स आती थी डिस्कंटिन्यू कर दी एक एक करके सारी, CBR 250 वगैरह और भी जो है काफ़ी सारी बाइक्स थी, लेकिन अभी जो है फिर से एक कदम रखने वाले हैं। एंड आप जो है इन बाइक्स को जरूर लाइक करोगे, एंड रिस्पॉन्स जो है आप हाइनेस से भी तगड़ा इसको देने वाले हो। सो देखते हैं CB125 कब आती है, एंड जैसे ही आएगी आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा। रिव्यू वीडियो, वॉकराउंड वीडियो सब आपके लिए आएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इंस्टाग्राम की ID का लिंक नीचे दे दिया है, जाके फॉलो कर लो।